हेलो स्टूडेंट, योर मैथ वेलकम यू। तो शुरू करब छयटागर अंकटा। ओके, पाँचटा अंक अलरेडी कर फेले किन्तु ओके अच्छा एकटू भालो करे लक्ष्य करो। ये तुलना करब कार संगे डिवाई बाई डीएक्स आछे, तो आगे लेक्चार देखे थाकले तोमरा बोलते ही पारबे एइटार संगे तुलना करब। ओके, ताहले किन्तु आमाके एकटा कथा बोलो तो, डिवाई बाई डीएक्स एर आगे तो वन आछे, एखाने कि करेछे एक्स स्क्वायर प्लस वन, तार माने कि एइटा दिए भाग करे दिते हबे प्रत्येक के बस। तो नेक्स्ट लाइने कि करबे डिवाई बाई डीएक्स प्लस टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन दिए भाग करछि किन्तु इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। और कि देखो एर मत सेजे गेछे ना, एटा एक नम्बर नाम दाओ, एटार संगे एटा तुलना करले पी कत पाबो टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, और किऊ कत पाबो फोर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दुटो पाबो तो बस। तारपर कि हाँ ठीक ही बोलेछे, समाकल गुणक निर्णय करते हबे, तो इंटीग्रेशन अफ इ टू दि पावर अवश्य इंटीग्रेशन अफ पीडीएक्स पीडीएक्स, तो इ टू दि पावर इंटीग्रेशन पी एर जगह मान बसिए दाओ टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। अच्छा एकटू लक्ष्य करो भालो करे। अच्छा इंटीग्रेशन एकटू जदि मने करो एटाके लिखते पारि एटा, कारण एटार ही डेरिवेटिव कर ले किन्तु टू एक्स आसे, एटार जो डेरिवेटिव करो एक्स एर सापेक्षे एक्स स्क्वायर प्लस वन जदि करो एटा टू एक्स होबे ना, एक्स टू द्वारा एन ए सूत्र प्लस वन डेरिवेटिव जीरो, तार माने कि टू एक्स होच्छे ना, तार माने उबरे तार डेरिवेटिव आछे। ओके, ताहले एटा होले कि हय इ टू दि पावर लग अफ एई एक्स, ताहले एटा कि होबे एक्स स्क्वायर प्लस वन होबे। ओके अच्छा, सूत्रटा जदि बोलते ही चाहिए इंटीग्रेशन अफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स जदि हय, सरि इटा आमी बाद दिच्छि सुविधार जोन्नो आमी बोले दिलाम, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स माने डेरिवेटिवटा एफ एक्स एर नीचे एटा लग अफ एफ एक्स हय। ओके, तो एटाई तो हयेछे, तो समाकलन गुणक बेरिये गेछे, तो एक नम्बर के समाकल गुणक दिए गुण करे पाई, लिखबे अवश्यई आमी पीडिएफ दिए दिच्छि, ताहले हबे डी डी एक्स अफ आमी बोलछि वाई लिखबे इंटू समाकल गुणक जेटा सेटा लिखे देबे इक्वल टू जेटा किऊ छिलो কিউ কিন্তু এটা নট ফোর এক্স স্কোয়ার, তার সঙ্গে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান গুণ করে দাও। হ্যাঁ দেখতে পেয়েছো এই দুটো ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ফোর এক্স স্কোয়ারই পড়ে আছে। আচ্ছা তারপর নেক্সট লাইনে তোমরা বলবে ইন্টিগ্রেশন করবো, তাহলে ডিএক্সটাকে এদিকে নিয়ে যাও সমাকলন করে পাই। ওকে, তো ভিতরেরটাই পড়ে থাকবে ইকুয়াল টু, আচ্ছা ফোর কনস্ট্যান্ট আমি যদি বাইরে রাখি এক্স স্কোয়ার কী হবে, ফোর থাকলো এক্স স্কোয়ারটা एक्स एस किऊ बाई थ्री कैन है एक्स टू दि पावर एन, इंटीग्रेशन कि है एन एक्स टू दि पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो टू छिलो टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, तो थ्री बाई थ्री हलो प्लस सी धरे नाओ ना, ताहले कि करबे एटाओ रेखे दिते पारो बा एकटू जदि करो एटा तो चार तीन, ताहले तीन दिए गुण कर दिले ताहले एटाके आमी धरबो वन बाई थ्री सी, एकटू ক্যালকুলেশন করছি আর কি, তিন দিয়ে যদি লসাগু করি এটা তিন লসাগু হতো এদিকে গুণ করে দাও, আসলে বুঝতে পারছো, আর এটা ফোর এক্স এস কিউ প্লাস সি, বাস দিস ইজ দ্য আনসার, একটু সাজিয়ে নিলাম আর কিছু না। ওকে, আশা করি বুঝতে পেরেছো, আগের লেকচারগুলো থাকলে অবশ্যই বুঝতে পারবে। ওকে, দেখা হচ্ছে নেক্সট অঙ্কটা নিয়ে নেক্সট ভিডিওতে।